पैनोरमा का जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो है लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट। लव का मतलब है प्रेम, अक्रॉस उस पार द साल्ट डेजर्ट, नमक का रेगिस्तान, नमक के रेगिस्तान के उस पार प्रेम। लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, नमक के रेगिस्तान के उस पार प्रेम। यहाँ पर साल्ट डेजर्ट रन ऑफ कच्छ की बात की गई है। साल्ट डेजर्ट क्या है? कच्छ का रन है जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। साल्ट डेजर्ट कौन सा है? कच्छ का रण जो कि कहां पे है? गुजरात में है। और यहां पर हम देखते हैं लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट में नमक के रेगिस्तान के उस पार प्रेम। साल्ट डेजर्ट क्या है? रन ऑफ कच्छ के बारे में बताया गया है। यहां पर हम देखते हैं जो रन ऑफ कच्छ है वो कैसा दिखाई दे रहा है? पैरालाइज मॉन्स्टर, पैरालाइज मॉन्स्टर के समान दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? लुक कैसा दिखाई दिया है? पैरालाइज मॉन्स्टर एक निष्क्रिय दैत्य के समान दिखाई दिया। निष्क्रिय दैत्य का मतलब है, पैरालाइज का मतलब है एक तरीके से आप कह सकते हो इनएक्टिव। दैत्य के समान दिखाई दिया, जैसे कोई व्यक्ति है उसको लकवा आ जाता है तो वो पैरालाइज हो जाता है, उस पैरालाइज मॉन्स्टर के समान दिखाई दिया। रन ऑफ कच्छ क्यों दिखाई दिया? इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर 3 ईयर्स, क्योंकि कच्छ के रन में और पिछले आप देख रहे हो 3 वर्ष से अब बरसात नहीं हुई है। इट हैज ए ड्राउट, और वहां पर क्या है? अकाल है, और पिछले 3 वर्ष से क्या है? अकाल है। अब देखो लव एक्रॉस दी साल्ट डेजर्ट में ट्रम्फ, दी ट्रम्फ का मतलब विजय, विजय के बारे में बताया गया है। ऑफ द लवर्स, और प्रेमियों की विजय के बारे में बताया गया है। हु बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज, जो दो अलग अलग देशों से संबंध रखते हैं, और वो देश कौन है? इंडिया और पाक। कि लव एक्रॉस दी साल्ट डेजर्ट में और प्रेमियों की विजय के बारे में बताया गया है, जो कि दो अलग अलग देशों से संबंध रखते हैं जिनमें इंडिया और पाक दो देश हैं। अगर करेक्टर्स के बारे में बात करें, पात्रों के बारे में, अख्तार, नजम हुसैन, जयमन, अल्लाह रखा। देखो अख्तार है फादर, नजम हुसैन है सन, फादर सन है ये तो दोनों ही, और जेमन है अंकल है। और हम देखते हैं अल्लाह रखा है आफताब और नजब हुसैन है उस उनके ऊंट का नाम है। क्या नाम है? अल्लाह रखा। ये चार करेक्टर है, ये चारों ही करेक्टर कैसे हैं? इंडियन है। कैसे हैं? इंडियन भारतीय करेक्टर है। आफताब फादर है, नजब हुसैन सन है, जेमन अंकल है, अल्लाह रखा देर कैमल है उनके ऊंट का नाम है, किनके? आफ्ताब और नजब हुसैन के। काले साना जो कि आप देख रहे हो कौन है? ये फादर है। काले साना कौन है? फादर है। फातिमा क्या है? उसकी बेटी है। और महफूज अली सन इन लॉ का मतलब दामाद, दामाद है, अर्थात है फातिमा का मंगेतर है ये। यहां पर 3 करेक्टर हैं, काले साहब फातिमा महफूज अली। काले साहब फादर है, फातिमा है डॉटर है, महफूज अली है सन इन लॉ दामाद है, अर्थात है, और आप देख रहे हो कि फातिमा है उसका मंगेतर है। और ये 3 करेक्टर हैं, ये कहाँ के हैं? पाक के हैं।